आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं आइसर मोटर के हिस्टोरिकल चार्ट की। चार्ट का एनालिसिस करके बताएंगे कि सितंबर 18 को क्या हुआ है और 21 का क्या प्लान होना चाहिए आपका, इन जनरल और लॉन्ग टर्म के लिए क्या दिख रहा है इस स्टॉक में। आइए चलकर शुरुआत करते हैं इसके चार्ट से। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पस। अब अगर देखें इसके चार्ट पर, तो चार्ट पर इसने क्लियरली एक रेंज बाउंड डे के हिसाब से काम कर रहा है। यहां से अगर लो लेवल देखेंगे तो इसका लो लेवल जो है 2090 के आसपास का लो लेवल है। हाई लेवल देखेंगे तो 2280 के आसपास का हाई लेवल है। तो ये एक रेंज बाउंड पोजीशन बन रही है जिसमें लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर नीचे की तरफ को रहेगा। कैसे कह रहे हैं कुछ चार्ट पर बताते हैं, तो उसको देखिएगा। उससे पहले इसका 15 मिनट का अगर चार्ट देखेंगे तो आपको क्लियर नजर आएगा कल की प्रक्रिया ऊपर के लेवल पर थोड़ी सी सेलिंग बन रही है इस स्टॉक में। तो ये दिखाई देगा क्लियरली। देखिए मॉर्निंग में थोड़ा सा इसने रुझान ऊपर का रखा, पर फिर उसके बाद में 10 बजे के बाद वो सारा सेल ऑफ शुरू हुआ और कंसिस्टेंटली नीचे रहा। तो ऊपर के लेवल पर क्लियर कट यहां पर सेलिंग सिग्नल रहा, जो अगले दिन भी पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है। अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने 15 मिनट में 100 पॉइंट गवाए और हम भी इसके अगेंस्ट थे यहां पर, तो हमें थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब अगर हम इसका चार्ट पर देखें तो चार्ट का जो पैरामीटर चल रहा है इसको देखेंगे, इसने यहां पर अभी बाय सिग्नल दिया हुआ है, पर काफी टाइम से सुपर ट्रेंड एक स्टेबल जोन में है, 1980 के आसपास कर रहा है काम। तो यहां पर ये अच्छा साइन नहीं है। अगर इतने देर तक वो स्टेबल रहे तो आगे हो सकता है कुछ कमजोरी रहे स्टॉक में। यहीं पे अगर मैकडी को देखा जाए तो मैकडी ने क्लियर कट यहां पर सेल सिग्नल दिया हुआ है। पिछले पूरे सेप्टेम्बर में मैकडी नीचे को ड्रिफ्ट हो रहा है और जैसे ये जीरो के नीचे जाएगा तो हो सकता है यहाँ पर सेलिंग और ज्यादा तेजी से आए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है। यहाँ पर एजुकेशन वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो आपको हेल्प करेगी एजुकेशन ट्रेडिंग करने के लिए। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो जैसा आपने देखा चार्ट पर नेगेटिव बायस है शॉर्ट टर्म के लिए। एक और चार्ट दिखाएंगे अभी, हम लोग टेलीग्राम चैनल पर भी हैं और साथ में अगर आप देखें तो हम लोगों ने आइसर मोटर का जो रिकमेंडेशन किया है मंडे को, आप इसमें सेल कर सकते हैं 2164 पर। स्टॉप लॉस रखिएगा 2190 का। I'll repeat, you can sell in the morning Eicher Motors with 2164 price with a stop loss of 2190. हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के एक्टिवली सर्विस करते हैं और ट्रेनिंग टेक्निकल वर्कशॉप कराते हैं, आप चाहिए तो उसको यूज कर सकते हैं। इसका टारगेट रहेगा 2125 का मंडे के दिन के लिए। क्यों कह रहे हैं बताते हैं अभी देखिए। तो अगर इसका चार्ट देखेंगे आपको एक और पैरामीटर जिसमें दिखाएंगे हम लोग, यहां पर आपको क्लियर इंडिकेट होगा कि बुलिंजर बैंड एक नैरो रेंज में आ गया है और इसका टाइम जो ज्यादा स्पेंड हो रहा है अभी यहां पर इस रेंज में, वो नीचे के हिस्से में स्पेंड हो रहा है। तो यहां से एक क्लियर कट सेलिंग सिग्नल दिखाई देगा। आपको पता होना चाहिए ये स्प्लिट हुआ था स्टॉक, उसके बाद से काफी अच्छी रुझान आया इसमें, पर अभी हो सकता है, लगता है कि कुछ थोड़ा सा नीचे की तरफ को रुझान रखेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक बटन जरूर दबाना। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालना। मैं आशा करता हूं आप यहां पर सीख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।